मैं ब्रजेश कुमार बायोलॉजी फैकल्टी आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ में स्वागत करता हूँ। बच्चों आज का अपना टॉपिक है क्लास एबीज, जिसको हम पक्षी वर्ग भी कह रहे होते हैं। क्या कह रहे होते हैं? पक्षी वर्ग या क्या बोलते हैं? एबीज, क्लास एबीज, ठीक है ना। इसमें देखिए उन कशेरुकी प्राणियों को सम्मिलित किया जाता है जिनमें उड़ने की क्षमता होती है। किसकी क्षमता होती है? जिनमें उड़ने की क्षमता होती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि इसमें उड़ने वाले कशेरुकीय प्राणियों को सम्मिलित किया जाता है। हालांकि एक्सेप्शन हो सकता है, एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। ऐसे भी पक्षी होते हैं जो नॉन फ्लाइंग होते हैं या फ्लाइट लेस होते हैं, जिनमें उड़ने की क्षमता नहीं पाई जाती है। लेकिन सामान्य रूप से यही कहा जाता है कि इसमें उन कशेरुकी प्राणियों को सम्मिलित किया जाता है जो उड़ने की क्षमता रखते हैं, या उड़ने वाले कशेरुकी प्राणियों को सम्मिलित किया जाता है, तथा इनमें जो फोर लिम्स होते हैं, अग्रपाद होते हैं, वह पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि इन प्राणियों में वायवीय अनुकूलन पाए जाते हैं। कैसे अनुकूलन होते हैं? एरियल एडप्टेशन होते हैं, उड़ने के इनमें अनुकूलन पाए जाते हैं, इसी कारण से ये उड़ पा रहे होते हैं। अगर इनमें एरियल एडप्टेशन ना पाए जाए तो ये उड़ नहीं सकते, अर्थात जो नॉन फ्लाइंग बर्ड्स होती हैं उनमें एरियल एडप्टेशन नहीं होता, इसलिए दे आर ओनली रनर्स, केवल वो क्या होती हैं? दौड़ने वाली होती हैं, वो वहाँ पर उड़ नहीं पा रही होती। जिसमें आप नाम दे सकते हो ऑस्ट्रिच का, शुतुरमुर्ग, नाम दे सकते हो कीवी का, नाम दे सकते हो रिया का, नाम दे सकते हो कैजुबेरी का, नाम दे सकते हो एमू का, ठीक है। ये सारे वो वर्ड्स होते हैं जिनका शरीर भारी होता है, पंख वेस्टिजियल होते हैं और ये उड़ने में सक्षम नहीं होते, लेकिन ये बहुत तेज गति से दौड़ने की क्षमता विकसित कर लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या बताएंगे कि इनमें उड़ने वाले कशेरुकीय कशेरुकीय प्राणियों को सम्मिलित किया जाता है, प्राणियों को सम्मिलित किया जाता है सम्मिलित किया जाता है ठीक है, तथा इनमें अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं, अर्थात फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें हम कैरेक्टर्स को लेके चलें और उन कैरेक्टर्स में आप वन बाई वन इजीली जो कैरेक्टर एडेप्टिव कैरेक्टर होते हैं उनको बता सकते हो। जिसमें पहला ही कैरेक्टर बताया जाता है कि ये सभी प्रकार के सभी प्रकार के
वातावरण में पाए जाते हैं जिनमें वायवीय अनुकूलन होता है एरियल एडप्टेशन वायवीय अनुकूलन होता है। ठीक है, एरियल एडप्टेशन पाया जाता है मीन्स वायवीय अनुकूलन। दूसरा पॉइंट इसमें जो आता है वो हम कह रहे होते हैं कि ये सामान्यतः समतापी होते हैं, समतापी का मतलब होता है कि वातावरणीय तापमान का इनके शरीर के तापमान पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है ना, अर्थात ये होमियोथर्मल होते हैं या हम कह सकते हैं वार्म ब्लडेड होते हैं। कैसे होते हैं? समतापी। शरीर का जो तापमान है लगभग हर वातावरण में या हर मौसम में समान बना रहता है। ठीक, नंबर तीन, इनका शरीर नौकाकार तथा धारा रेखित होता है, स्ट्रीम लाइन ठीक है। ऐसे ही देखिए जो जलीय जंतु होते हैं उनमें भी यही कंडीशन होती है लगभग। अगर जो शरीर है बोर्ड शेप्ड होगा, स्ट्रीम लाइन होगा, अर्थात आग से कैसा होगा, आगे से नुकीला। इस कारण से उड़ते समय हवा का कम से कम प्रतिरोध सहन करना पड़े। इस कारण से नेचुरली इनका जो शरीर होता है वो कैसा होता है, नौकाकार और धारा रेखित होता है। ठीक है ना, इसके पश्चात नेक्स्ट पॉइंट, शरीर सिर कोमा ग्रीवा कोमा धड़ तथा पुच्छ में बांटा होता है, गर्दन इनमें कैसी होती है, लंबी और लचीली। इनमें ग्रीवा लंबी और लचीली होती है, ठीक है ना, लॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल, तथा पूंछ छोटी पाई जाती है, छोटी होती है। ठीक है ना, अब देखिए ये भी इनका एडेप्टिव करेक्टर है, क्योंकि ये अधिकतर कहाँ पर रहते हैं, एरियल हैबिटेट में, पेड़ पौधों के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर या शाखाओं में। तो इनको जब भोजन लेना होगा और गर्दन अगर इनकी लचीली नहीं होगी, टाइट होगी, तो भोजन को ये नहीं पकड़ सकते। इसलिए गर्दन लचीली होने से क्या होता है, भोजन को पकड़ने में बहुत अधिक आसानी हो जाती है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। इसके पश्चात
इनकी त्वचा शुष्क होती है, ड्राई, शुष्क होती है, अर्थात ग्रंथियां नहीं पाई जाती, अर्थात ग्रंथियां नहीं पाई जाती। नहीं पाई जाती हैं, लेकिन या फिर आप कह सकते हो पूछ के आधार पर तेलीय ग्रंथि पाई जाती है, जिन्हें प्रीन ग्लैंड्स कह देते हैं, जिन्हें प्रीन ग्लैंड्स ग्लैंड्स कह देते हैं, ठीक है ना। कौन सी ग्रंथि कह दिया जाता है? प्रीन ग्लैंड कह देते हैं। तो ये आपके पूछ की विशेषता भी मिल गई और त्वचा के बारे में भी पता लग गया। अब देखिए नंबर 6, यहां पर हम कह रहे होते हैं जो अग्रपाद होते हैं, तो इसलिए इनमें बता दीजिए, इनमें दो जोड़ी पाद पाए जाते हैं, जिनमें से अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं, जो उड़ने में सहायक होते हैं, जो उड़ने में सहायक होते हैं, पशुपाद, पशुपाद पेड़ों की शाखाओं पर बैठने एवं चट्टानों पर चलने में सहायक होते हैं, सहायक होते हैं, अर्थात गमन द्विपदचारी होता है। क्या बोलेंगे उसको? बाइपेडल लोकोमोशन, अर्थात गमन द्विपदचारी होता है। इसका मतलब होता है बाइपेडल लोकोमोशन, ठीक है ना।
नेक्स्ट फर्स्ट पार्ट में चार चार नखर युक्त क्या पाई जाती है? फिंगर्स, अंगुलियां पाई जाती है। अंगुलियां पाई जाती हैं। अंगुलियां पाई जाती हैं, ठीक है ना। कैसी होती है? नखर युक्त होती है पशुपादों में। तथा शल्क केवल पशुपादों पर ही पाए जाते हैं, पादों पर ही पाए जाते हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, इनमें देखिए जो पाई जाने वाली चोंच होती है वो दंत विहीन होती है। कैसी होती है? दंत विहीन। क्या बताओगे? इनमें चोंच दंत विहीन, टीथलेस, विहीन होती है, ठीक है। कैसी होती है? सृंगीय चोंच पाई जाती है, अर्थात सृंगीय चोंच पाई जाती है, पाई जाती है, ठीक। इसके पश्चात इनके शरीर या इनका शरीर पिच द्वारा ढका होता है, पिच द्वारा, जिनको रेटिसिस या फीदर कह सकते हो, द्वारा ढका होता है, ढका होता है, ठीक है। नेक्स्ट बाह्यकरण पाया जाता है, पाया जाता है, लेकिन लेकिन कान पल्लव नहीं होते, कान पल्लव नहीं होते, ठीक है ना। कान बाह्य कान तो है लेकिन कान पल्लव इनमें नहीं होते हैं या नहीं दिखाई दे रहे होते। हेड पर जो आईज होती हैं उसके ऊपर की तरफ दोनों तरफ क्षेत्र या अपर्चर होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट यहां पर हम बता रहे होते हैं इनमें पश्च बक्सीय कोमा लंबर, पेट की बोली जाती है कोमा सैक्रल, कटी तथा अग्रपुच्छीय कशेरुकाएं, अग्रपुच्छीय कशेरुकाएं, उच्चीय कशेरुकाएं
मिलकर सिंसीक्रम बनाती हैं, सिंसीक्रम बनाती हैं। बनाती हैं, ठीक है। इसके साथ साथ उच्चीय कशेरुकाएं या पश कह सकते हो, पश उच्चीय कशेरुकाएं पश उच्चीय कशेरुकाएं मिलकर आपस में या परस्पर परस्पर मिलकर पाइगो स्टाइल बना लेती हैं। एक स्ट्रक्चर होता है पाइगो स्टाइल बना लेती हैं, बना लेती हैं, ठीक है। क्या बना लेती हैं? पाइगो स्टाइल, जिसे क्या करे होते हैं, फर्श कशेरुकाएं मिलकर के बना रही होती हैं। और ये जो पाइगो स्टाइल होती है, ये इनका एक तरह से स्पेसिफिक फीचर होता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद इनमें हार्ट, हार्ट का मतलब होता है हृदय, स्पष्ट रूप से, स्पष्ट रूप से फोर चैम्बर्ड होता है, चार कोष्ठों में बटा होता है, बटा होता है, ठीक है ना। इनमें दो आलिंद तथा दो निलय होते हैं, दो निलय होते हैं, ठीक है ना। सीरा कोटल नहीं पाया जाता, सीरा कोटल नहीं पाया जाता, इसके साथ साथ आरबीसी, अंडाकार तथा केंद्रक युक्त होती हैं, केंद्रक युक्त होती हैं, ठीक है ना। ओवल शेप्ड होती है आरबीसी, बड़े आकार की, और उनमें केंद्रक पाया जाता है। नंबर 14 आप कह सकते हो, इनमें बारह जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, तंत्रिकाएं पाई जाती हैं,
कितने जोड़ी होती हैं? 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं, ठीक। इसके पश्चात इनका जो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होता है वो एक ही होता है, इसीलिए कह रहे होते हैं खोपड़ी एक कंदी होती है। या फिर यहां पर एक सिंपल भी बता सकते हो, इनमें मेटा नेफ्रिक वृक्क पाए जाते हैं, वृक्क पाए जाते हैं, ठीक है। तथा उत्सर्जी पदार्थ, तथा उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल के रूप में बनते हैं। किसके रूप में? यूरिक अम्ल के रूप में बनते हैं, रूप में बनते हैं, इसलिए इन्हें यूरिकोटेरिक या यूरिक अम्ल उत्सर्जी, इसलिए इन्हें यूरिक अम्ल उत्सर्जी जंतु कहा जाता है। अम्ल उत्सर्जी जंतु कहा जाता है, ठीक है। क्या कह देंगे? यूरिकोटेलिक एनिमल। कौन से एनिमल? यूरिकोटेलिक एनिमल इनको कह दिया जाता है। अब देखिए इसके आगे हम बता रहे होते हैं कि इनमें ना तो यूरिनरी ब्लैडर होता, यूरिनरी ब्लैडर का मतलब होता है मूत्रा से। आगे हम कह रहे होते हैं जो आई विजन होता है बहुत शार्प होता है, नेत्र दृष्टि बहुत शार्प होती है, अंतःकंकाल खोपड़ी अस्थियों से बना होता है, निमेटिक बोन्स उनकी अंदर हवा भरी होती है, इस कारण से शरीर उड़ते समय बहुत हल्का होता है। इनमें जो सेंट्रम होता है वो हेट्रोशीलस होता है, पसलियाँ डबल हेडेड होती हैं, दो शीर्ष वाली होती हैं जिनमें अनसीनेट प्रोसेस पाए जाते हैं, ठीक है ना। इस तरह से हम इनको आगे एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। अब देखिए इसमें नेक्स्ट यहां पर हम बता रहे होते हैं कि इनमें मूत्राशय, नहीं पाया जाता। मूत्राशय का मतलब होता है यूरिनरी ब्लैडर। मूत्राशय नहीं पाया जाता। मूत्राशय अगर नहीं पाया जाएगा तो ये करेक्टर किसके लिए जिम्मेदार हो गया? एरियल एडप्टेशन के लिए, वायवीय अनुकूलन के लिए। क्योंकि अगर यूरिनरी ब्लैडर होगा तो इसमें यूरिन फिलअप रहेगा, यूरिन भरा रहेगा तो शरीर का वजन क्या होगा? बढ़ जाएगा, जो उड़ते समय क्या करेगा? परेशानी महसूस कराएगा। इसीलिए ये वायवीय अनुकूलन कहलाता है, अर्थात इनमें यूरिनरी ब्लैडर नहीं पाया जाता। लेकिन जो ऑस्टिच होता है, शुतुरमुर्ग होता है, उसमें यूरिनरी ब्लैडर पाया जाता है। तो वहां पर अंतर ये हो गया कि शुतुरमुर्ग फ्लाइंग बर्ड नहीं है, उड़ नहीं पाती है। कैसी है वो? रनर है, दौड़ने में सक्षम है, उड़ने में सक्षम नहीं होती। तो कई बार ये पूछा जाता है, बताओ उस पक्षी का नाम जिसमें यूरिनरी ब्लैडर पाया जाता है, तो हम नाम ले रहे होते हैं ऑस्टिस।
का, लेकिन ये अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑस्टिच फ्लाइंग बर्ड्स नहीं होती, ठीक है। लेकिन बाकी जितने भी फ्लाइंग बर्ड्स होती हैं उनमें यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता है, दैट इज एडेप्टिव करेक्टर, दैट इज एरियल एडेप्टिव करेक्टर। क्या होता है ये? बायवीय अनुकूलन कहलाता है, अर्थात हम इसको बायवीय अनुकूलन कह रहे होते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया, ओके।